चलो बच्चा, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर 4 एंड 5, पेज नंबर है 92। अभी आगे चलते हैं। देयर आर टू फार्म्स इन तालुका। अमोंग बोर वेल मेड इन दिस फार्म 200 फार्म आउट ऑफ तालुका सॉल्टेड वाटर इज फाउंड इन टू मतलब 20 फार्म। आगे बोल रहे फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर इन 3 आउट ऑफ 5 रेंडमली सिलेक्टेड फार्म इन द तालुका। तो यहाँ पे सॉल्टेड वाटर की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और हमें सॉल्टेड वाटर ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो बच्चा वो ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इसके लिए पहले तो जो दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ लेते। आप बोलोगे सर ये जो है वो 20 है उसमें से 200 तो 0.1, ये 0.1 हम क्या बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये 0.1 है तो बच्चा ये जो होगा वो Q होगा, P होगा वो 20। आप बोलोगे सर ऐसे लिख लेते 1 माइनस 0.1 जो हो जाएगा 0.9। यहाँ तक बच्चा आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आगे चलते हैं बच्चा, जिसमें बोला हुआ है P ऑफ N दिया हुआ है 5 और X दिया हुआ है 3। P ऑफ X इज इक्वल टू एन सी एक्स, P की पावर X, Q की पावर N माइनस X। N जो होगा वो 5C3 होगा, P जो होगा वो बच्चा 0.9 होगा, Q होगा 0.1, X जो है बच्चा वो आप बोलोगे 3 और आप बोलोगे सर N माइनस 2। यहाँ पे हो जाएगा 10। 0.9 जो है उसकी पावर हमें कितनी करनी है तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया था 9 इंटू इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें आप सॉल्व करोगे तो चार बार जाना पड़ेगा, 0.729 और यहाँ पे 0.1 की पावर कितनी होगी तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको 3 लिखना था तो हमने 3 लिख दिया है तो अब 2 होगा। तो आप बोलोगे सर 0.1 की 2 करेंगे पावर तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0.01। 2 पावर करनी है वो ध्यान में रखना है, 0.01 इंटू 0.729 इंटू 10 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0729। अभी बच्चा एक पॉइंट और आपको ध्यान से बोल दूं, क्योंकि रेफरेंस बुक में एक देख रहा था जिसके अंदर थोड़ा उल्टा कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते आगे पीछे कर देते जिसकी वजह से आपको आइडिया नहीं आएगा, तो ये मेथड ध्यान से फोकस करना। लिखा होगा तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज लास्ट टाइम पे एग्जाम के वक्त आपको ये क्वेरी 100% आएगी, वो ध्यान में रखना। क्योंकि कई बच्चों को आदत है बस वो आखिर में गाइड में से देख लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम कन्फ्यूजन आपको आखिर टाइम में आएगी सपोज आप नोट्स नहीं बनाते तो। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये पॉइंट भी खत्म। अभी आप बोलोगे सर फिफ्थ पॉइंट की बात करते तो उसमें क्या है, तो बच्चा इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है, एन एग्जाम्पल इज गिविंग द सिक्स स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट इज 0.6। स्टूडेंट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अलग अलग लोग बैठे, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द करेक्ट सॉल्यूशन बाय ओनली 2 आउट ऑफ 6 स्टूडेंट, सीधा ही बोल दिया है। तो अभी आप बोलोगे सर जो सॉल्यूशन हम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं उसको पी जो है वो 0.6 है, क्यू है वो 0.4 है। अब बोलोगे सर इसको थोड़ा इलाबरेट करो, 0.6 जो है वो है प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन आने के लिए और नीचे जो बोला हुआ है वो गेटिंग द करेक्ट सॉल्यूशन, दोनों प्रोबेबिलिटी सेम मांगी हुई है, दी भी प्रोबेबिलिटी वही है और क्वेश्चन में वही आपसे पूछा गया है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों सेम है तो पी हमारा मिल जाएगा, इसलिए पी मिल जाएगा तो क्यू मिल जाएगा, एन जो है वो 6 और आप बोलोगे सर एक्स जो है वो आप बोलोगे सर ये 2 होगा, इसके साथ पी ऑफ एक्स होगा एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, एन जो होगा वो 6 ये 2, पी जो है वो 0.6 और यहाँ पे 0.4, एक्स जो होगा वो 2 होगा यहाँ पे 6 माइनस 2, ये जो होगा आप बोलोगे 6 इंटू 5 2 इंटू 1 तो ये आप करोगे तो 15 हो जाएगा, 0.6 की पावर 2, 0.4 की पावर 4। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं बच्चा तो क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 0. यहाँ पे तो हम लिख देते हैं 0.36, चार बार है तो 0.4, 0.0256। आप बोलोगे सर यहाँ पे 15 इंटू 0.36 इंटू 0.0256
तो ये होगा 0.313824, ये बच्चा हमारा फाइनल आंसर होगा। जो बच्चों ने आगे के लेक्चर देखे हैं, मतलब कहने का मतलब है एग्जाम्पल के भी लेक्चर प्रॉपर देखे होंगे, तो इनके लिए ये सम बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि वहाँ टफ सम करके आए, ये तो कंपेरेटिवली ईजी है, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चा यहीं पर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटबुक में प्रॉपर लिखते जाइए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। रफ में उतना ही लिखना जितना आपको याद रखें कि कौन सी रफ बुक में क्या लिखा है, क्योंकि कई बच्चे उसमें भी लिखते हैं, तो प्रॉपर बुक मेंटेन करना जिससे आपको आसानी रहेगी। मिलता है बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। यहाँ पे बच्चा एक ध्यान में रखना, मैंने लिखा है 4 एंड 5।